लिंग। बच्चों, दिए गए चित्रों के नीचे लिखे हुए वाक्य को पढ़िए तथा रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि चित्र एक तथा चित्र तीन में रंगीन शब्द मोर और दादाजी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि चित्र दो तथा चित्र चार में रंगीन शब्द मोरनी और दादी जी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, बैल, हाथी, मुर्गा आदि। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, गाय, हथिनी, मुर्गी आदि। बच्चों, आइए अब लिंग निर्धारण के बारे में चर्चा करें। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारित करना सरल होता है, लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया या विशेषण से की जाती है। बच्चों, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द अथवा स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाने को ही लिंग परिवर्तन कहते हैं। आइए जानते हैं।